बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा तीसरा लेक्चर है, चैप्टर वन इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इसमें हम डिस्कस करेंगे आज फाइलेटिक लीनिएज, बायोलॉजिकल मेथड और सर्विसेज ऑफ बायोलॉजी टू मैनकाइंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट फाइलेटिक लीनिएज। फाइलेटिक लीनिएज जैसा कि इसके नाम से जाहिर हो रहा है कि ये एक रिलेशनशिप है। इस वक्त तक बायोलॉजिस्ट के अंदाज़े के मुताबिक टोटल डिस्कवर्ड स्पीशीज़ की तादाद 2.5 मिलियन है। इंसानों के अंदाजे के मुताबिक कुछ लोगों का ख़्याल है कि ये तादाद अप टू 30 मिलियन है। इसका मतलब है कि इस वक्त तक ये टोटल है और ये डिस्कवर्ड हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस वक्त जो टोटल डिस्कवर्ड स्पीशीज़ हैं, इसमें से तकरीबन 53.1% इंसेक्ट हैं। %19.9% एनिमल्स हैं अदर देन इंसेक्ट्स। और इस तरीके से 17.6% वास्कुलर प्लांट्स हैं। 9.4% प्रोटोजोआन, 5.5%। फाइलेटिक लीनिएज की डेफिनेशन क्या है? फाइलेटिक लीनिएज बोलते हैं शजरा नसब को, जिस तरीके से एंसेस्टर्स से डिसेंडेंट पैदा होते हैं, इसी तरीके से जानदारों में मुख्तलिफ स्पीशीज़ जो अपने ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं उनकी हम एक लीनिएज बनाते हैं। इस लीनिएज में जो ओल्डेस्ट स्पीशीज़ होती हैं उन्हें पहले रखा जाता है और न्यू वंस उसके ऊपर आती जाती हैं। यानी फाइलेटिक लीनिएज एक अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज़ है, अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज़ फ्रॉम एंसेस्टर टू डिसेंडेंट हैविंग इवॉल्व फ्रॉम इट्स अर्लियर स्पीशीज।
यानी एक ऐसा सिलसिला जिसमें नई स्पीशीज़ पुरानी स्पीशीज़ से बनती हैं, वक्त गुजरने के साथ साथ जानदारों का ये जो रिलेशनशिप है इसे फाइलेटिक लीनिएज बोलते हैं। फाइलेटिक लीनिएज से आगे हमारा छोटा सा एक टॉपिक है बायोलॉजिकल मेथड। अब इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है फाइलेटिक लीनिएज से, जो आमतौर पर क्वेश्चन बनता है ये डेफिनेशन बन जाती है, डिफाइन फाइलेटिक लीनिएज या व्हाट इज़ फाइलेटिक लीनिएज, या एमसीक्यू के लिए ये परसेंटेज दी हुई है एनिमल की, ये बन सकता है। इसी तरीके से कुछ बुक्स में उन्होंने, आपकी बुक में भी लिखा है कि टोटल जो स्पीशीज़ हैं उनकी तादाद कुछ कहते हैं 5 मिलियन हैं और कुछ कहते हैं 30 मिलियन हैं, यानी 5 से 30 मिलियन अगर स्पीशीज़ ज़मीन के ऊपर हैं तो इस वक्त जो टोटल डिस्कवर्ड हैं वो 2.5 मिलियन हैं, ओनली 2.5 मिलियन डिस्कवर्ड हैं। बायोलॉजिकल मेथड क्या है? किसी भी साइंटिफिक ट्रुथ को फाइंड आउट करने के लिए एक ख़ास तरीका इस्तेमाल किया जाता है, इस ख़ास तरीके को बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। बेसिकली बायोलॉजिकल मेथड जो है एक साइंटिफिक मेथड है, साइंटिफिक मेथड विच इज यूज्ड टू फाइंड आउट आर टू यूज टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम फेसिंग टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को दरपेश मसले का हल निकालने के लिए जो खास साइंस में तरीका इस्तेमाल किया जाता है इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मेथड। जिस तरीके से हम किसी भी हकीकत तक पहुंचने के लिए चंद एक स्टेप से गुज़रते हैं, इसी तरीके से बायोलॉजिकल मेथड के भी चंद एक स्टेप हैं जिनसे गुज़रने के बाद हम किसी भी जानदार को दरपेश प्रॉब्लम का हल निकालते हैं। बायोलॉजिकल मेथड में जो सबसे पहला मरला होता है वो कहलाता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है केयरफुल स्टडी ऑफ एनी बायोलॉजिकल फिनोमिना। किसी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस को बगौर मुतालिया करना ऑब्जर्वेशन लेना कहलाता है। ये ऑब्जर्वेशन हम दो तरह से बना सकते हैं, ये ऑब्जर्वेशन क्वालिटेटिव हो सकती हैं या क्वांटिटेटिव हो सकती हैं। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन हो सकती हैं या फिर क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन हो सकती हैं। आफ्टर टेकिंग ऑब्जर्वेशन कि जितनी हमारी ऑब्जर्वेशन बेहतर होंगी उतना ही बेहतर हमारे रिजल्ट्स आएंगे। ऑब्जर्वेशन बनाने के बाद हम किसी लॉजिकल स्टेटमेंट के ऊपर पहुंचते हैं। ये लॉजिकल स्टेटमेंट जो ऑब्जर्वेशन की रोशनी में बनाई जाती है इसे कहा जाता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस इज लॉजिकल स्टेटमेंट विच इज ड्रॉन इन द लाइट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये ऑब्जर्वेशन क्वांटिटेटिव जो होती हैं ज़्यादा बेटर होती हैं एज़ कम्पेयर टू क्वालिटेटिव, लेकिन हम क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन को भी यूटिलाइज करते हैं फॉर मेकिंग हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस बनाने के लिए हम डिफरेंट टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, जिसमें जो पहली टेक्निक हाइपोथेसिस बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है उसे रीजनिंग कहते हैं। ये रीजनिंग फिर दो टाइप की होती है, या तो ये इंडक्टिव हो सकती है या फिर डिडक्टिव रीजनिंग हो सकती है।
इस रीजनिंग की बुनियाद पे हम हाइपोथेसिस बना सकते हैं। इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है कि आप एक स्पेसिफिक रिजल्ट देते हैं फिर उसे एक जनरल आइडिया बना लेते हैं, जबकि अगर जनरल आइडियाज हों और उससे एक ही रिजल्ट कंक्लूड किया जाए दैट इज़ नोन एज डिडक्टिव रीजनिंग। हाइपोथेसिस बनाने के लिए हम इमेजिनेशन या फिर एस्थेटिक प्रेफरेंस या फिर हम इस्तेमाल करते हैं एनालॉजी एंड होमोलॉजी या फिर कंपैरिजन या फिर फिलासफिकल या रिलीजियस आइडिया। आइडिया को भी इस्तेमाल किया जा सकता है टू मेक हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस को प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए हम बायोलॉजिकल मेथड का तीसरा मरला स्टेप इस्तेमाल करते हैं जिसे कहा जाता है एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंट इसलिए किया जाता है ताकि ये साबित किया जा सके कि जो हाइपोथेसिस बनाया गया था कि आइदर ये हाइपोथेसिस दुरुस्त था या हाइपोथेसिस गलत है, यानी प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए या हम अपने हाइपोथेसिस को फालसीफाइड करने के लिए एक्सपेरिमेंटेशन का सहारा लेते हैं। ये एक्सपेरिमेंट हम दो ग्रुप बना कर लेते हैं ये ताकि कन्फर्म हो जाए कि हमारा जो हाइपोथेसिस है वो आगे थीरी बन सकता है या इसे यहीं पर रिजेक्ट करना है। इस मकसद के लिए हम दो ग्रुप लेते हैं जिसमें एक को हम कहते हैं कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप से मुराद उन ऑर्गेनिज्म का ग्रुप होता है जिनमें बीमारी का पैरासाइट नहीं पाया जाता जो अंडर ऑब्जर्वेशन होता है, जबकि दूसरा होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं जिसमें बीमारी का पैथोजन पाया जाता है। अगर हमारा हाइपोथीसिस एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो जाए तो हम इसी हाइपोथीसिस को नाम दे देते हैं थीरी का। यानी ये थीरी होती है वो हो हाइपोथीसिस की निस्बत ज़्यादा रिलायबल है, ज़्यादा रीजनेबल है, इसके ऊपर साइंटिस्ट का ट्रस्ट बढ़ जाता है कि ये लॉ या प्रिंसिपल बन सकता है। यानी थ्योरी तब बनेगी जब आपका हाइपोथेसिस वेरियस टाइम एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हो जाएगा। अगर आपकी थ्योरी को अनाउंस कर दिया जाए तो ये प्रोडक्टिव थ्योरी में चेंज हो जाती है। जो प्रोडक्टिव थ्योरी होती है इसका ज़्यादा चांस होता है कि ये लॉ बनेगी। To become law or principle. Biological method का जो last one step है ये कहलाता है law or principle। If theory is accepted and according to laws of nature and has explanatory power then
इट बिकम लॉ आर प्रिंसिपल। इस तरीके से हार्डी-वेनबर्ग लॉ है या मेंडेलियन लॉज ऑफ जेनेटिक्स हैं, या फिर हार्डी-वेनबर्ग लॉ है। बायोलॉजिकल मेथड हमने एंड किया। बायोलॉजिकल मेथड में जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बायोलॉजिकल मेथड की डेफिनेशन या फिर थीरी एंड लॉ में डिफरेंस आ सकता है। अब बायोलॉजिकल मेथड में जो सबसे अहम स्टेप होता है वो होता है आपका हाइपोथेसिस फार्मूलेट करना। अगर आप एक अच्छा हाइपोथेसिस फार्मूलेट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप ख़ुद से ऑब्जर्वेशन लें। अगर आप खुद से ऑब्ज़र्वेशन लेंगे तो वो ज़्यादा रिलायबल होंगी, आपका हाइपोथेसिस करेक्ट होने का चांस ज़्यादा होगा। अगर आपका हाइपोथेसिस ही सही तरीके से नहीं लिया गया तो अगले स्टेप आपके नाकाम हो जाएंगे। एक्सपेरिमेंट के ऊपर जब आप पहुँचेंगे तो आपका हाइपोथेसिस एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं हो सकेगा। इसलिए हाइपोथेसिस बायोलॉजिकल मेथड का इंतहाई इम्पॉर्टेंट मरहला होता है जो कि ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर ही बनाया जाता है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सर्विसेज ऑफ बायोलॉजी टू मैनकाइंड। ओके, वो सिस्टम ओके नहीं, वो मैं फिर थोड़ा सा यहीं पे ही डिस्कस कर देता हूँ। सर्विसेज ऑफ बायोलॉजी टू मैनकाइंड, इमेज यहाँ से ले लेंगे। बायोलॉजी इंसानियत की खिदमत में क्या रोल प्ले कर रही है? बायोलॉजी टू मैनकाइंड, अगर हम आज के टाइम को देखें तो हम कह सकते हैं कि ये इरा बायोलॉजी का इरा चल रहा है, क्योंकि जो सारी प्रोग्रेस है, हत्ता के जो वार भी है, वो बायोलॉजी की बदौलत लड़ी जा रही है। हमारी पॉपुलेशन जितनी तेज़ी के साथ बढ़ी और उस कहत ज़्यादा पॉपुलेशन को या ओवर क्राउडेड पॉपुलेशन को खुराक खिलाना एक मसला था, बायोलॉजी ने इस ज़िमन में भी अहम किरदार अदा किया। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है डिज़ीज़ भी बढ़ती जाती हैं, और उन डिज़ीज़ को कंट्रोल करने के लिए डेफिनेटली बायोलॉजी ने अहम रोल प्ले किया। बायोलॉजी की जो खिदमात है मैनकाइंड के लिए उसे हम तीन हिस्सों में क्लासिफाई कर देंगे। बायोलॉजी की सर्विसेज को तीन हिस्सों में क्लासिफाई कर रहा हूं मैं, जिसमें पहला है कि फूड प्रोडक्शन, बायोलॉजी की बदौलत किस तरीके से फूड प्रोडक्शन, खुराक की मकदार बढ़ाने में बायोलॉजी ने क्या रोल प्ले किया। इसी तरीके से डिज़ीज़ कंट्रोल, बायोलॉजी ने डिज़ीज़ को कंट्रोल करने में किस तरीके से हमारी हेल्प की। एंड लास्ट वन इज ड्रग ट्रीटमेंट एंड जीन थेरापी। जीन थेरापी फूड प्रोडक्शन, फूड जो है बेसिक नेसेसिटी है ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तमाम जानदार
खुराक खाए कर ही ज़िंदा रहते हैं। कोई भी जानदार खुराक के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। देखिए, ये बेसिक नेसेसिटी है। कीड़े को भी खुराक खानी है। इंसान अमीर है, गरीब है, फ़कीर है, बीमार है, उसे खुराक खानी है। तो जब बायोलॉजी ने ये देखा कि इस प्लेनेट अर्थ के ऊपर इंसानों की तादाद इतनी बढ़ चुकी है, तो उसमें फूड की प्रोडक्शन को बढ़ाना ख़ास तौर पर प्रॉब्लम बना, और इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए बायोलॉजी ने अपनी खिदमात सर अंजाम दी। इन खिदमात को, बायोलॉजी की खिदमात को, जिससे हमने खुराक की पैदावार को इस प्लेनेट के ऊपर बढ़ा लिया, उसे हम चंद एक हेडिंग के अंदर डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट रोल जो फूड प्रोडक्शन में बायोलॉजी ने प्ले किया, वो था हाइब्रिड प्रोडक्शन। देखिए, अगर हम इंसानों की पॉपुलेशन लें, तो इंसानों की पॉपुलेशन इस प्लेनेट अर्थ के ऊपर बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ी है। जैसे हम कहते हैं कि 1947 में पाकिस्तान बना, और पाकिस्तान की आबादी उस वक्त तकरीबन कुछ 7 से 8 करोड़ थी, और पाकिस्तान की जो ज़मीन थी वो 7,96,096 मुरबा किलोमीटर थी। और उस वक्त 1980 तक ये था कि पाकिस्तान में गंदम के लिए कहत पड़ जाता था। लेकिन आज माशाल्लाह हमारी पॉपुलेशन जो है 22 करोड़ है, हमारी लैंड उतनी ही है, 7,96,096 मुरबा किलोमीटर है, लेकिन इस वक्त हम गंदम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यानी हमारे गंदम की प्रोडक्शन, जो कि हमारी स्टेपल फूड के तौर पर इस्तेमाल होती है, इस वक्त इतनी ज़्यादा है कि 22 करोड़ आवाम को खिलाने के बाद भी हम गंदम में खुद कफील हो चुके हैं। और उसकी जो मेन वजह जाती है, वो ट्रांसजीनिक यानी हाइब्रिड वैराइटीज़ के ऊपर जाती है, जिन्हें हम ट्रांसजीनिक प्लांट या हाइब्रिड वैराइटीज़ कह सकते हैं। ट्रांसजीनिक प्लांट्स, इन ट्रांसजीनिक प्लांट में जिस तरीके से मैक्सीपाक गंदम की हाइब्रिड वैरायटी है, इसी तरीके से बीटी काटन कपास की हाइब्रिड वैरायटी है, इसी तरह से जो हमारा तीसरा स्टेपल फूड के तौर पर इस्तेमाल होता है वो राइस है, इरी राइस, चावल की हाइब्रिड वैरायटी है। इनकी बदौलत हमारी जो खुराक स्टेपल फूड थी, ये मोर प्रोडक्शन रखती हैं देन जनरल क्रॉप्स। इसी तरीके से हाइब्रिड एनिमल हमने पैदा किए, हाइब्रिड एनिमल में हमने नीली रावी नस्ल बेफेलोज, साहिवाल काउ, हाइब्रिड बुल, वगैरह हमने पैदा कर लिए हैं, जिनसे हमने मीट एंड मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज किया। इसी तरीके से प्रोटीन यानी एग की तादाद के लिए मोर एग्स, इसके लिए हमने लेयर हेंस जो सारा साल अंडे देती हैं, इसी तरीके से वाइट चीप मीट इसके लिए हमने ब्रेलर इंट्रोड्यूस कराई बायोलॉजी की बदौलत, जैसे वाफर मिकदार में
हमें गोश्त मिलता है और ये विद इन 40 डेज हमें मिल जाता है, जो आमतौर पर हमारी हैंस जो थी साल या इससे भी ज़्यादा अरसे में जितना गोश्त बना सकती थी। ब्रायलर जो है वो डेढ़ माह के अंदर इतना गोश्त दे देती है, जिससे हमने मीट की प्रोडक्ट जो ज़रूरत थी उसे पूरा किया है। इसी तरीके से जब हमारे मोर फूड प्रोडक्शन का प्रॉब्लम बना और उनके ऊपर डिजीज़ आने लगी, तो हमने डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए भी डिफरेंट टेक्निक इस्तेमाल की। स्पेशली हमने इंट्रोड्यूस कराया बायोलॉजिकल कंट्रोल, कंट्रोल ऑफ पेस्ट बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसी तरीके से हमने डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए IDM इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट जब हमने ये देखा कि हमारे प्लेनेट के ऊपर जगह कम पड़ रही है, तो हमारे साइंटिस्ट ने कोशिश की और इसकी बदौलत हमने आज इस काबिल हो चुके हैं कि मून की सरफेस के ऊपर भी हम वेजिटेबल उगा रहे हैं, और ये सारी चीज़ें पॉसिबल हुई ड्यू टू हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। इस टेक्निक की बदौलत इंसान ने ग्रो करा ली हैं वेजिटेबल ऑन सरफेस ऑफ मून। इस वक्त इंसान कोशिश में है कि अगर ये हमारा प्लेनेट अर्थ किसी भी वजह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो हम किसी दूसरे प्लेनेट के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे और वहाँ पे हम ऐसा एटमॉस्फेयर बना लेंगे जैसा कि ज़मीन के ऊपर है, और वो तमाम जो हमारी ज़रूरियात हैं हम वहीं से ही पूरी करेंगे। इन तमाम चीज़ों की बदौलत जब हमारे पास मोर प्रोडक्शन ऑफ फूड होने लगा और इसको ट्रांसपोर्ट करने का प्रॉब्लम आया, तो जो लिक्विड प्रोडक्ट थी उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए लोअस पास्चर ने पास्चराइजेशन का मेथड डिस्कवर किया। पास्चराइजेशन क्या है? इसमें हम मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट को प्रिजर्व करते हैं। मिल्क प्रोडक्ट्स, इसके लिए हम हाई टेम्परेचर इस्तेमाल करते हैं, आमतौर पर 73 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर अगर 15 सेकंड के लिए मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट को पास्चराइज किया जाए, बॉयल कर लिया जाए, तो उसमें मौजूद तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाते हैं। इसी तरीके से 62 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर अगर हाफ एन आवर के लिए चीज़ों को बॉयल कर लिया जाए, जो मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट हैं, तो वो भी जर्म फ्री हो सकती हैं। दैट इज़ ऑल अबाउट फूड प्रोडक्शन, जो कि पहला हिस्सा था कि बायोलॉजी ने किस तरीके से मदद की है कि हम इंसानियत, जो हमारी तादाद इंसानों की बढ़ चुकी है, उसकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हम खुराक कैसे पूरी करेंगे। कल इंशाल्लाह हम डिज़ीज़ कंट्रोल और ड्रग ट्रीटमेंट एंड जीन थेरेपी डिस्कस करेंगे। इसके लिए कुछ स्लाइड्स भी शेयर कर रहे हैं, वो स्लाइड्स भी देखें आप, टेस्ट को तैयार करें, चैप्टर को रिवाइज़ करें, और जब तक ऐसे हालात हैं तो घर में रहें, महफूज रहेंगे, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखें, नीडी पीपल का ख्याल रखें स्पेशली जिनको इस वक्त ज़रूरत है, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम आपको मिला है जिसमें आप सफरिंग ह्यूमैनिटी की खिदमत कर सकते हैं। तो इसके साथ ही कुछ मैं स्लाइड शेयर कर रहा हूँ, वो स्लाइड देखेंगे और वहाँ से हेल्प लेंगे, बाकी इंशाल्लाह रिमेनिंग चैप्टर हम कल डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।